सोलन में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में जहां एक और मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, वहीं सहकारिता मंत्री राजीव सैजल और सांसद वीरेंद्र कश्यप विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर सहकारिता को किस तरह बेहतर कर प्रदेश की बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और प्रदेश में सहकारिता से किस तरह बदलाव लाया जा सकता है, इस बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए और कहा कि सहकारिता की नींव हिमाचल में रखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल में सहकारिता का विकास नहीं हुआ बल्कि अन्य राज्यों में सहकारिता प्रदेश की उन्नति में नींव का पत्थर साबित हो रही है। इसीलिए इसे आंदोलन के रूप में एक बार फिर से हिमाचल में सहकारिता को खड़ा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में कहा कि सहकारिता विभाग में हिमाचल बहुत पीछे है, इसीलिए सहकारिता क्षेत्र में बोलने की नहीं करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सहकारिता से प्रदेश को बहुत बड़ा आर्थिक सवलभ मिल सकता है, सहकारिता से बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से 10 लाख जुड़े हैं, अपनी आर्थिकी चला रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि सहकारिता के नियम बहुत पुराने हैं, जिसकी वजह से उद्योगपति 5-5 वर्षों तक कार्य शुरू नहीं कर पाते हैं, इसी कारण यहां से उद्योग पलायन कर जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई निवेशक हिमाचल में कार्य करना चाहता है तो उसके कार्य में कोई बाधा न आए, इसके लिए अगर नियमों में बदलाव करना पड़ेगा तो वह अवश्य ही बदलाव करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस कार्यक्रम में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा गलत करती है, ऐसा नहीं होता, इसीलिए वो चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल सहकारिता करें और प्रदेश हित में मिलकर सहकारिता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि सहकारिता में प्रदेश सरकार खुलकर काम करना चाहते हैं और प्रदेश को चलाने के लिए भी सहकारिता की आवश्यकता है, इसीलिए सभी राजनीतिक दलों को भी खुले मन से सहकारिता की भावना रखनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं, हमारी ओर से कोऑपरेशन है, लेकिन उनकी ओर से भी हम उम्मीद करते हैं। वो अनावश्यक रूप से बेवजह, ठीक है, लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, वो कहें, लेकिन उसके बावजूद हर बात सरकार गलत करती है ऐसा नहीं होती। कोऑपरेटिव ऐसा सेक्टर है जहां बहुत बड़ी संभावनाएं हैं रोजगार की, और रोजगार के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से भी सहयोग की बहुत बड़ी संभावना है। हमने महसूस किया कि कोऑपरेटिव सेक्टर हमारा बड़ा नेग्लेक्टेड रहा है, जहां काम करने की आवश्यकता है, और उस काम करने की दृष्टि से हम शुरुआत करें। इससे पहले हमने कहा कि सुझाव की दृष्टि से सब लोग बैठे और चर्चा करें और उसके बाद हमको जानकारी दें कि जो कानून में भी कुछ एक्ट में कुछ उसमें प्रोविजन करने की आवश्यकता है वो भी करें और उसके साथ हम काम करके आगे बढ़ें। इस मौके पर सहकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि सहकारिता की नींव देश में सबसे पहले हिमाचल के ऊना से 1992 में हुई थी। उन्होंने कहा कि आज सहकारिता ऐसा क्षेत्र है जिसमें बेहद चुनौतियां हैं, लेकिन इसके माध्यम से देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमाचल को भरोसा दिलाया है कि वह सहकारिता को शीर्ष तक ले जाएंगे। वहीं इस मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों से सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल में बदलाव संभावित है तो केवल सहकारिता विभाग से लाया जा सकता है। हमको और आपको ये जानकर के गर्व होगा कि हिमाचल पूरे भारतवर्ष में अगर पहली सहकारी सभा का गठन अगर कहीं हुआ है तो वो हिमाचल प्रदेश में ऊना के पंजावर गांव में 1892 में हुआ था। तो हिमाचल से सहकारिता का नाता जो है वो बहुत पुराना है। जहां तक सहकारिता का प्रश्न है, जहां तक कुछ ऐसे अगर नियम हैं जो वर्षों से जो बदले नहीं गए और कहीं ना कहीं वो अवरोध के रूप में काम कर रहे हैं, अगर उन नियमों में कोई परिवर्तन की बात है, सहकारिता के आंदोलन के रास्ते को और सुगम बनाने की बात है, तो इस दिशा में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि आज किसान कृषि में पिछड़े हुए हैं, जिसे केवल सहकारिता आंदोलन से दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य केंद्र सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का रखा है उसे सहकारिता द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता को फिर से नए रक्त का संचार करने का निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया है, जिसके लिए हिमाचल में एक बार फिर से आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, जो एक सराहनीय कदम है। कोऑपरेटिव सेक्टर में भी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही जो एक माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि किसानों की जो आय 2022 में दुगनी हो, तो दुगनी कैसे होगी उसमें ये भी एक मेजर सेक्टर है कोऑपरेटिव का। चाहे वो हम
किसान हो, किसान के साथ साथ अपनी फसल पैदा कर रहे, हम जो है साथ साथ जो है अपने फसल के साथ साथ जो है फल और अपनी सब्जियां पैदा कर रहे, परंतु डबल तभी होगी किसान की आमदनी अगर हम अपनी डेयरी डेवलपमेंट को उसके साथ जोड़े। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बिना, सहकारी आंदोलन के बिना जो है वो सपना साकार नहीं हो सकेगा।